Hello, welcome to my channel. In my channel, you will get the information about certain study related matters. So, in this video, I am going to discuss about certain topics like cockroach. So, I am going to tell you everything about cockroach, whether it is beneficial for us or harmful, and scientific name, how pair of legs, body information, blood and all. So here you will get the all the information about cockroach. So here we go about cockroach. Then coming to our question number one, the number of antenna in a cockroach is one pair. जो कॉकरोच में एंटीना प्रेजेंट होते हैं जस्ट माउथ के जस्ट ऊपर होते हैं वो वन पेयर होते हैं, मींस दो एंटीना निकले होते हैं उनको हम वन पेयर बोलते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, इन कॉकरोच लार्वल एंड नेफ्रल कैरेक्टर्स आर मेंटेन बाय जुवेनाइल हार्मोन. मतलब इनका लार्वल एंड नेफ्रल जो कैरेक्टर होता है ये मेंटेन कौन करता है? जुवेनाइल हार्मोन. जुवेनाइल हार्मोन मेंटेन द लार्वल एंड नेफ्रल कैरेक्टर इन अ कॉकरोच. एंड कमिंग टू अ क्वेश्चन नंबर थ्री, टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंट्रिपिडी कॉकरोच एंड क्रैब्स आर ज्वाइंट लेग्स एंड काइथिनियस एक्सोस्केलेटन. ज्वाइंट लेग्स होते हैं एंड काइथिनियस एक्सोस्केलेटन. सॉरी, coming to a question number 4, then what is the similarities between the fly, mosquitoes and cockroach. तो ये क्वेश्चन ये सब ये नीट का BHU में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बहुत मतलब ये टॉपिक जो कॉकरोच का है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए AIIMS नीट. आप UPTU का एग्जाम दे रहे हो, UPTU के लिए इम्पोर्टेंट है ये. आप अगर ICAR का एग्जाम दे रहे हो तो ये ICAR के लिए इम्पोर्टेंट. और BHU एग्रीकल्चर एंड BSc का ये सब पेट क्वेश्चन है, ये सब हमेशा रिपीट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा, ऑल बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा. ये सारे फ्लाई, मॉस्किटोस एंड कॉकरोच जो होते हैं वो इंसेक्टा क्लास में बिलोंग करते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, एस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इस मालफिजियन ट्यूब्यूल. ये तो सर एकदम आम क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल पता होगा. ये एस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज मालफिजियन ट्यूब्यूल. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. जो माउथ पार्ट होता है कॉकरोच का वो किस टाइप का होता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. अगर ऑप्शन में आपके चारों में से ये दिया हो तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सिक्स क्वेश्चन. एंड हम ये क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवन और एट एक ही क्वेश्चन था जिसमें से क्वेश्चन में दिया गया था कि इसमें से कौन सा जो है फीचर्स ऑफ कॉकरोच का नहीं है, मतलब विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉकरोच. तो कॉकरोच के ये तीनों जो थे ये फीचर्स में आते हैं. ये जो ये फीचर्स होता है वो कॉकरोच का फीचर्स होता ही नहीं, मतलब ये चीज है कॉकरोच इस लाइन से बिलोंग करता ही नहीं है. सो फीचर्स ऑफ कॉकरोच मैं आपको बता दूं तो लिखा हुआ एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेरिन एन ACETYL GLUCOSARINE. एंड सेकेंड फीचर्स इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. जो बॉडी होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. ये टोटल अगर आप बायो के चैप्टर में जाओगे NCERT के तो एनिमल किंगडम में जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीजें ना आम कॉमन दी हुई है. सेगमेंटेड बॉडी कौन, पैरेलल रेडियल ज्योमेट्री किसकी हुई, ज्योमेट्री के बारे में दिया हुआ है. एंड कमिंग टू अ क्वेश्चन ये सेवेंथ का थर्ड पार्ट, एंड सो सीजो, सॉरी दिस इज द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट. यहाँ पे सीजो सिलोम होगा, LOM होगा यहाँ पे M, सीजो सिलोम एज अ बॉडी कैविटी. और जो फीचर जो कॉकरोच का नहीं होता, ये एट्थ क्वेश्चन है, इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ कॉकरोच. तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इंडिटरनाइन एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये जो ये फीचर्स है इनडिटरमाइन एंड द रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये फीचर्स कॉकरोच का है ही नहीं. एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन, देन कॉकरोच में क्या पाया जाता है? 10 स्पैरकल्स. मतलब इसका मतलब ये होता है 10 स्पैरकल इंक्लूड 2 पेयर ऑफ थोरेक्स एंड 8 पेयर ऑफ एबडोमेन. तो आपको समझ में आया 2 पेयर ऑफ थोरेक्स एंड 8 पेयर ऑफ एबडोमेन. अब मैं आपको चीजें दूसरी दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 पे आके. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको मैं ये एक सम फैक्ट्स अबाउट कॉकरोच
जो कि ये नेशनल ज्योग्राफी जो होता है उसमें ये फैक्ट कुछ बताए जाते हैं जो कि मैंने बारीकी से नोट किए हुए हैं, जो आपके लिए वो स्पेशल अगर वो आप जानेंगे तो वो ऐसे ही रेगुलर लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एट लास्ट आपको वो बताया जाएगा। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द टर्गा स्टर्ना एंड प्यूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंट बाई आर्थ्रोडियल मेंबर। द टर्गा स्टर्ना एंड प्यूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंट बाई ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, देन 11 क्वेश्चन, द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजन बेस्ड इन अ हीमोग्लिम्फ एच ए ई एम ओ जी एल वाई एम पी एच मेनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसे एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। अगर आपको आवाज नहीं सुनना है तो आप इसका वॉल्यूम कम करके आप अपनी चीजें से मतलब वाली चीजें देख सकते हो आपने। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, देन व्हाट, रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इंटीग्रल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच लिम्ब, बोथ फोर एंड विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप्ड। मतलब एक इंटीग्रल चेंज के बाद उन लास्ट मॉल्ट ऑफ कॉकरोच, मतलब एक इंटीग्रल चेंज के बाद उनके पास क्या विजिबल होता है, क्या आना स्टार्ट होता है, तो उनके पास मतलब एक जैसे आदमियों में हाथ पांव आना स्टार्ट होता है जब पेट में वो रहते हैं तो डेवलप होती है विंग्स, लिम्ब्स उनके डेवलप होते हैं, वैसे इनके में फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप होता है। एंड जॉनसन ऑर्गन इज फाउंड इन एंटीना ऑफ मॉस्किटोस। ये मॉस्किटोस के क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें लिए हैं क्योंकि ये आता है इसके अंडर में, कॉकरोच के अंडर में, सो ये क्वेश्चन इसके लिए बेनिफिशियल है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड फाउंड इन कॉकरोच, वेंट्रल नर्व कॉर्ड वीएनसी वेंट्रल नर्व कॉर्ड फाउंड इन कॉकरोच। टॉकिंग अबाउट ब्लड, अगर हम कॉकरोच के ब्लड की बात करें तो आपको जहां तक मैं बता दूं, अगर हम कॉकरोच के ब्लड की बात करें तो टॉकिंग अबाउट ब्लड, कॉकरोच हैव वाइट ब्लड कलर। जो कॉकरोच का जो ब्लड कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्यों होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एब्सेंट होने की वजह से वो वाइट कलर का होता है। एंड अगर आपसे हम बात करें तो कुछ, अब हम आपको, अब एट लास्ट मैंने जैसे आपको बात किया था, अब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कॉकरोच के बारे में जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दैट एंड आई एम गोइंग टू डिक्टेट दैट फैक्ट। सो सम फैक्ट अबाउट कॉकरोच, सो हियर इज योर द फैक्ट। एक्चुअली देयर इज अ 4500 स्पीसीज ऑफ कॉकरोच इज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कॉकरोच के पूरे स्पीसीज जो है वो 4500 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, बट लेस देन 1%, आप देख रहे हैं लेस देन 1% ऑफ देम आर फ्रीकली वंस दैट इज स्कैटर्ड व्हेन वी टर्न ऑन लाइट। मतलब यहाँ पे व्हेन वी टर्न ऑन लाइट, ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हमको बस लेस देन 1% स्पीसीज यहाँ पे दिखते हैं और दिखते ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट तो नहीं होते बट वो रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं। बिकॉज ऐसे ऐसे भी कॉकरोच होते हैं जो कि किसी को अगर काट लेंगे तो वो आदमी मर सकता है, विनोम मतलब वो विनोम कंटेन करते हैं अपने बॉडी में। सो दूसरे फैक्ट की बात करें तो हम आपको विनोम के बारे में बता रहे थे, तो हम आपको विनोम के बारे में बताएं तो ये आपको लाइन ये समझ में आएगी, प्रोटीन इन देयर फीसी FECES saliva and eggs are one of the biggest causes of allergies and asthma for the people living in the urban environment। मतलब ये जो उनका जो infectious agent क्या होता है, वो होता है feces होता है, saliva and eggs, ये जो तीनों होते हैं अगर ये किसी के body contact में आता है तो वो allergies and asthma आपको produce करता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे allergies लिखा हुआ है, यहाँ पे asthma लिखा हुआ है, तो ये होता है। And coming to our third fact that cockroach poop is actually beneficial for environment। Cockroach poop is actually beneficial for environment। क्यों ये beneficial होता है? Because cockroach play important role in earth nitrogen cycle। And ये मतलब ये आपको लग रहा होगा कि ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है, तो ये किस तरीके से हेल्प करता है मैं आपको ये अब ये पेज में टर्न करके ये भी बता देता हूँ।
So here is the fact that ye fourth fact hai. Cockroach also an important source for food for some species like centipede, lizard and bird. ये मतलब उनका पेट होता है ना कि पेट फूड होता है जो इन्हें खाना पसंद होता है वही करते हैं. और कमिंग टू अस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल कॉकरोच कैन हेल्प ह्यूमन टू मतलब कॉकरोच ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं. बेनिफिशियल क्यों है बाय द वे बिकॉज दे सर्वाइव इन द फिटलेस्ट ऑफ कंडीशन FILTHIEST ऑफ कंडीशन. Their central nervous system CNS produce natural antibiotic. मतलब किसका central nervous system antibiotic produce करता है? यहाँ पे आप देख सकते हो आपको किसलिए मैं आप फिर से repeat कर दूँ तो यहाँ पे लिखा their central nervous system CNS produce natural antibiotics वो produce करता है. ये क्या है? ये cockroach antibiotic produce करता है through their central CNS. And we found that their natural defense work even against antibiotics resistant bacteria like Staph aureus means ये cockroach क्या करता है वो एक अपने CNS के द्वारा एक antibiotic produce करता है. And we found that there is a natural defense work even against antibiotics resistant bacteria. मतलब ये bacteria के लिए bacteria के खिलाफ लड़ता है. Like जब bacteria का नाम क्या है? Staph aureus is also known as MRSA. So this is the whole things about cockroach. हमने आपसे बात किया था cockroach poop is actually beneficial for environment. तो ये क्यों beneficial for environment है? मैं आपको बता दूँ कि forest cockroach consume decaying organic matter. Release its natural nitrogen back to the soil. मतलब जो forest के जो cockroach होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी मरे हुए या फिर dead decaying matter पे वो feed करते हैं, उनको खाते हैं और तुरंत ही nitrogen जो waste होता है अपना nitrogen back to the soil वो वापस कर देते हैं तुरंत. तो इससे क्या होता है ये इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये nitrogen cycle में ये help करते हैं. तो this is all about cockroach. And if you like my video, so go to the comment section and write something if you have any problem about this video. And if you want any new topic so that ki main use upload karu, so you can directly comment me in the down section. And within a few hours, I will reply you as soon as possible if there is a really important for that. And main aapko ek baat aur bata dun, last ka ye ek minute main aapka lunga, ye is video mein. इस चैनल पे आपको पूरी तरीके की एग्जामिनेशन के पेपर मिलेंगे लाइक नीट एग्जामिनेशन, एम्स एग्जामिनेशन, आईसीएआर, बीएचयू एग्रीकल्चर, बीएससी, ऑल टाइप ऑफ बीएचयू यूजी एग्जामिनेशन एंड देयर इंफॉर्मेशन हाउ टू क्वालिफाई दैट एग्जाम. एंड दिस इज अ रियली मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक फॉर टू क्वालिफाई योर एम्स, नीट, आईसीएआर, बीएचयू, एजी एंड बीएससी एंड ऑल टाइप ऑफ बीएससी. अगर आप डीयू का भी बीएससी दे रहे हो तो ये जरूर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. Thank you for watching this video. I hope you like this video and subscribe my channel. Thank you.